रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। योगिता और प्रकाश की एक ही संतान थी, इसीलिए सिया को उन दोनों ने बड़े नाजों से पाला था। सिया बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल दर्जे की कमजोर थी, इतनी कमजोर कि वो 12वीं में 3 बार फेल हो गई थी। जिसके बाद एक दिन उसके पिता प्रकाश उसके जीवन में थोड़ा प्रकाश बिखेरते हुए कहते हैं, बेटी अब तक तो तूने फेल होने की हैट्रिक बना ही दी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब अच्छे से पढ़ाई करियो ताकि तेरा रिश्ता ढूंढते हुए मैं किसी को ये तो बोल सकूं कि तू 12वीं पास है। ओहो पापा फिकर नॉट, सिया ने आपको वादा किया है इस बार सिया पास होकर दिखाएगी, आप चिंता मत करो। दोनों की बातें सुन योगिता वहाँ आकर बोलती है, सिया मेरी लाज रख लियो, इस बार इम्तिहान में पढ़कर पास हो जाइयो, वरना सब यही कहेंगे योगिता की बेटी में कोई योग्यता ही नहीं है। माँ पिताजी से बोल तो दिया, सिया इस बार पढ़ेगी तो मतलब बहुत पढ़ेगी। समय बीतता है और सिया दिन रात पढ़ना शुरू करती है और पढ़ते हुए उसे बहुत नींद आती है। ये देखकर योगिता उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाती है और उसे देते हुए कहती है, ये ले पी ले, इससे तुझे नींद नहीं आएगी, थोड़ी कड़वी है पर पी ले, नींद उड़ जाएगी इसे पीते ही। जी माँ ये कितनी कड़वी है, दूध तो डाल देती। अरे दूध नहीं तो कम से कम चीनी डाल देती। दूध वाली तेरे पास होने के बाद मिलेगी, अभी इसे पी ले और पढ़। इतना कहकर योगिता वहाँ से चली जाती है और सिया कॉफी पीकर वापस पढ़ने लगती है, और कॉफी पीते पीते उसे पढ़ने की आदत लगी न लगे लेकिन कॉफी पीने की आदत लग जाती है। बस फिर क्या था, कभी वो हॉट कॉफी पीती तो कभी कोल्ड, कभी कॉफी शेक पीती तो कभी कॉफी की आइसक्रीम जमा कर खाती। धीरे धीरे उसे हर पहर कॉफी पीने का चस्का लग जाता है, जिसके बाद उसके रिजल्ट का दिन आता है और फाइनली वो पास नहीं बल्कि फर्स्ट आती है। और घर पर वो ये बात हाथ में कॉफी लेकर अपने माता पिता को बताती है, सुनो 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 सारे सुनो, आखिरकार सिया ने कर दिखाया, सिया फर्स्ट आई है और इसका सारा क्रेडिट जाता है मेरी कॉफी को, जिसने मेरी नींद उड़ाई, मैंने रात भर पढ़ाई की और मैं फर्स्ट आई। ये सुनकर सिया की माँ योगिता उसे प्यार से मार कर कहती है, मुझे तो लगा था कि तू बोलेगी इसका श्रेय तेरी माँ को जाता है क्योंकि तुझे कॉफी बना बना कर देती थी, माँ की देन है, पर तू तो बदतमीज होने के साथ साथ एहसान फरामोश भी है। अरे क्यों मार रही हो हमारी टोपर को, भले श्रेय जिसको भी जाए ये पास हुई मेरे लिए यही बहुत है। अब इसी बात पर मत जाओ, हम दोनों के लिए गर्मा गर्म दूध वाली कॉफी बना कर लाओ, मैं और पापा मजे लेकर कॉफी पियेंगे, और अब पापा आप एक अच्छा सा रिश्ता देखकर सिया की शादी करवा दो क्योंकि उससे अब और नहीं पढ़ा जाता। प्रकाश अपनी भोली बेटी की नादानी पर हंसते हुए हामी भरता है और उसके रिश्ते की बात कई जगह चला देता है, जिसके कुछ दिनों बाद अपूर्व नाम का लड़का अपनी माँ सोनम और बहन प्रिया के साथ सिया को देखने आता है, जहाँ सिया सबके लिए हॉट कॉफी बना कर ले आती है और उनके सामने रखते हुए कहती है, मुनी वाली सासू माँ चाय तो सभी पीते हैं, आप इसे पीकर बताइए ना कॉफी कैसी बनी है। सोनम को सिया की ये चंचलता बहुत प्रभावित करती है और वो कॉफी की एक घूंट भरकर कहती है, जी देखिए कॉफी तो मुझे बहुत पसंद आई, पर लड़की पसंद आई या नहीं ये मेरा बेटा अपूर्व ही बताएगा। मुझे तो मेरी भाभी बहुत पसंद आई भैया, आप भी बता दो कैसी लगी। जी मैं क्या बोलूं, जैसा आप लोगों को सही लगे। अपूर्व के इतना कहते ही दोनों परिवार वालों और सिया अपूर्व की रजामंदी से ये रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके कुछ महीनों बाद ही सिया की शादी अपूर्व से हो जाती है और वो अपने ससुराल में नई बहू बनकर कदम रखती है, जहां प्रिया उसे छेड़ते हुए कहती है, ओ मेरी कॉफी वाली भाभी अब इस कलश को गिराकर घर में कदम रखो, फिर हम साथ में कॉफी विद सिया खेलेंगे। सोनम घर के अंदर दाखिल होती है और फिर सब रस्मों के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और घूंघट करके पलंग पर बैठी होती है, जिसके बाद अपूर्व कमरे में आकर सिया के करीब जाकर कहता है, वैसे तो हमें एक दूसरे को जानने का ज्यादा मौका नहीं मिला पर आज जान लेते हैं, और ये क्या तुम घूंघट करके क्यों बैठी हो,
आए शर्मा गई क्या? जिसके बाद अपूर्व जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो सिया घूंघट के नीचे भी ब्लैक कॉफी पी रही होती है, जिसे देखकर अपूर्व बोलता है, इतनी सड़ी गर्मी में कॉफी, वो भी रात को, पगली तुमको नींद नहीं आएगी? सॉरी अपूर्व, वो क्या है ना, मुझे रात को कॉफी पीने की आदत है। अच्छा, और गर्मी और बढ़ गई तो क्या करोगी, फिर कैसे पियोगी ये कॉफी? गर्मी बढ़ गई है तो कोल्ड कॉफी पीऊंगी, और अगर कम होगी तो हॉट कॉफी, मीठी पीने का मन होगा तो शुगर वाली कॉफी, नहीं पीने का मन होगा तो विदाउट शुगर वाली कॉफी। आई जस्ट लव कॉफी, पता है मेरी तो फेवरेट टॉफी भी कॉफी वाली है, और पता है अपनी शादी पर मैंने 5 कप कॉफी पी थी। सिया के मुंह से कॉफी की कहानियां सुनकर अपूर्व को नींद आ जाती है और वो सो जाता है, जिसके बाद सिया को कॉफी की वजह से नींद नहीं आती और वो लगभग सारी रात अकेले जगी रहती है। अगली सुबह उठकर भी वो सबके लिए कॉफी बनाती है, जिसे देखकर सोनम कहती है, ओ मेरी चलती फिरती कॉफी की मशीन, तुझे कॉफी पीनी है तो तू पी, कॉफी के सागर में गोते लगाने हैं तो तू लगा और उसमें डूब भी जा, लेकिन हमें चाय बना कर दे। माँ, भाभी ने इतने प्यार से बनाई है, पी लो ना। नहीं, मैं चाय ही लूंगी, वरना आज भूखी रहूंगी। बहू तू जा और चाय लेकर आ। सिया को बुरा तो लगता है कि शादी के बाद अगली सुबह ही उसे सास से भाषण सुनना पड़ा, पर वो जाकर सबके लिए चाय बनाती है। कुछ समय और बीतता है, अब सिया सबको चाय दिया करती लेकिन खुद कॉफी ही पीती, और ससुराल आने के बाद तो किचन की सत्ता उसी के हाथ में थी, तो उसने कॉफी पीने की सब हदें पार कर दी, जिस वजह से उसे नींद आनी बंद हो जाती है और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं और उसके मुंह पर गर्मी से पिंपल्स निकलने लगते हैं। लेकिन फिर भी अपूर्व और सोनम के समझाने पर उसे कोई बात समझ नहीं आती, जिसके बाद एक दिन हार कर अपूर्व अपनी बहन प्रिया के पास जाकर बोलता है, प्रिया सुन, सिया की कोई बहन नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी चंचल और लाडली है, लेकिन अगर तू उसे प्यार से समझाएगी तो वो जरूर मानेगी। ऐसे इतनी कॉफी पी पी कर सिया खुद को बीमार कर लेगी, तू ही कुछ ऐसा कर कि सिया की आदत छूट जाए। हाँ भैया, भाभी की तो चिंता मुझे भी हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बीमार हो जाएंगी। आप फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिसके बाद प्रिया ऑनलाइन कॉफी से होने वाले नुकसानों के बारे में पूरी खोज करके सिया के पास चीनी का डब्बा लेकर जाती है और खाते हुए कहती है, कैसी हो भाभी, आज शाम को खाने में क्या बनाओगी? प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो, चीनी के डब्बे से निकाल कर चीनी खाए जा रही हो, इतना मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शुगर हो जाएगा तुम्हें। मैं जो भी करूँ भाभी, मेरी लाइफ है, आपको क्या? प्रिया, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा फिक्र करना मेरा फर्ज बनता है। हाँ भाभी, ठीक वैसे ही आप भी मेरी भाभी हो, आपकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। भाभी, आपको पता है ये जो कॉफी आप रोज रोज पी रही हो, वो भी 10-10 कप, ये आपको अंदर से खोखला कर रही है। आपका चेहरा देखो कैसे मुहासों से भरा हुआ है, आंखें नींद न लेने की वजह से धंसती जा रही हैं। उसके अलावा हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर समेत अन्य बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। भाभी, हम सब आपसे प्यार करते हैं, हम आपको कॉफी पीने से रोक नहीं रहे, पर आप एक दिन में 2 कप पी लो, चलो 3 कप पी लो, पर 10-10। सिया को अपनी ननद की बातें सुनकर एहसास होता है कि वो कॉफी जरूरत से ज्यादा पी रही है, जिसके बाद वो कॉफी पीना कम कर देती है और उसकी जगह और भी ड्रिंक्स का सेवन करना शुरू करती है। अति करने से मती जाती है, ऐसा ही कुछ सिया के साथ भी हुआ, लेकिन वो तो वक्त रहते संभल गई। अगर आपके पास भी कोई अति करने वाला है तो उसकी मती जाने से पहले उसे समझाइए, और स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। राजवीर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तभी अपनी आंखें खोलकर वो जैसे ही पलटता है, उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर अटक जाती है, जिसे वो देखता ही रहता है। और फिर वो लड़की माही अपनी प्रार्थना करके जब जाती है तो राजवीर उसे देखकर मन में बोलता है, हाय, ये लड़की कितनी सुंदर है, इससे नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए वरना चली जाएगी। राजवीर इतना बोलकर जैसे ही बाहर जाता है तो माही सबको प्रसाद देते हुए उसके पास भी आती है और प्रसाद देती है। राजवीर फिर उसे निहारता है, तब फिर माही बोलती है, अरे कहाँ खो गए आप, हाथ आगे करके प्रसाद लीजिए।
हेलो मिस्टर, वो I'm sorry, पता नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। अब सोच लिया हो तो प्रसाद ले लो, मुझे जाना है। जी जी जरूर दीजिए। वैसे करते क्या हो तुम? जी मैं, क्या आप मुझसे कह रही हैं? जी आपके सामने खड़ी हूँ तो आप ही से बोलूँगी, किसी भूत से तो नहीं। I'm really sorry जी, मैं MNC कंपनी में काम करता हूँ। नाइस, ओके चलती हूँ, बाय। जी बाय। माही उसे बाय करके चली जाती है और राजवीर उसे तब भी बाय करता ही रहता है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया आती है और उसे ऐसे देखकर उसके सर पर टपली मारकर बोलती है, ओए पागल, किसको बाय कर रहा है, कोई है भी यहाँ पर? अरे तू कब आई और मारा क्यों? तू मेरी बात तो सुन नहीं रहा था, इसलिए तुझे होश में लाने के लिए मारना पड़ा, तभी आंसर किया मुझे। खैर वो सब छोड़, तू चल ले, अगर तेरी पूजा पाठ अब हो गई हो तो मेरी पेट पूजा भी करा दे यार, आई एम सो हंग्री। हाँ चल चल, मुझे भी लग रही है भूख। ओए मुझे चाइनीज खाना है, वही खिलाएगा ना? अरे बाबा जानता हूँ कि तू बिना चाइनीज खाए मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देगी, लेकिन मैं तेरा ये चाइनीज नहीं खाऊंगा, मैं तो इटालियन ही खाऊंगा। अरे ठीक है तू चल, तो पेट में चूहे कूद रहे हैं अब। श्रेया इतना बोलती है कि राजवीर अपनी बाइक लाता है और उसको बैठा कर रेस्टोरेंट लेके जाता है। दोनों वहाँ पहुँच कर वेटर को बुलाते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं। वेटर मेरे लिए एक ग्रेवी मोमो, 2 वेज रोल, 1 चाइनीज नूडल्स और इनके लिए इटालियन पास्ता विद इटालियन गार्लिक सूप। ओके मैम। अरे वाह श्रेया की बच्ची, तुझे तो मेरी फेवरेट इटालियन चॉइस के बारे में भी पता है। तो पागल पता नहीं होगा क्या, इतने सालों से तेरे साथ जो रह रही हूँ, स्कूल में कॉलेज में और अब तो ऑफिस में भी एक साथ रहते हैं। हाँ वो तो है, पता है तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, ना ही मुझे कभी अकेले होने दिया, हमेशा मेरे साथ जो रही है। और जिस दिन तू ऑफिस नहीं आती ना, कसम से बहुत लोनली फील होता है, मतलब तू मेरे साथ मस्ती करती रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। यानी तू मेरे बिना नहीं रह सकता, तुझे मेरे साथ रहने की आदत लग गई है, वैसे ही मुझे भी राजवीर तेरी आदत लग गई है, मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ राजवीर, आई लव यू सो 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 मच, बहुत जल्दी मैं तुझे प्रपोज भी करूंगी। सर आपका ऑर्डर। ओए पागल तेरी फेवरेट डिश आ गई, ठूस ले अब। अरे अब ये किस सोच में डूब गई, इसको भी ऐसे ही होश में लाऊंगा जैसे इसने मुझे लाया था, मारी थी जैसे इसने। ये बोलकर राजवीर अपने हाथ पर किस करता है और उसी हाथ से उसके सर पर टपली मारता है और बोलता है, ए मोटी कहाँ खो गई थी, अपने मोमो खा ले वरना मैं खा जाऊंगा। पागल है क्या तुम, मार क्यों रहा है मुझे? तूने भी तो मारा था मुझे, उसका क्या, तेरे मोमो खा ले वरना ठंडे हो जाएंगे। हाँ खा रही हूँ, तू अपना खाना मेरे पे नजर मत डाल। नजर तो तब डालूंगा ना जब मुझे पसंद होंगे वो, तू ही खा मैं तो कभी ना खाऊं। इस तरह दोनों अपनी अपनी डिशेस खाते हैं और राजवीर श्रेया को उसके घर ड्रॉप करता है, फिर वो अपने घर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन माही अपने इंटरव्यू के लिए सड़क पर जा रही होती है और खुद से बोलती है, अरे यार आज तो मैं लेट हो गई, मेरा इंटरव्यू है, अगर लेट पहुंचूंगी तो सेलेक्ट होने से पहले रिजेक्ट हो जाऊंगी, भाग माही भाग जल्दी कर, ऊपर से कोई टैक्सी भी नहीं आ रही। माही जल्दी जल्दी चल रही थी कि तभी उसकी स्लीपर टूट जाती है और वो बोलती है, ओफो धत्तेरी की, इसे भी अभी टूटना था, अब मैं कैसे जाऊंगी, कैसे पहुंचूंगी, हे भगवान मेरा इंटरव्यू। वो टूटी हुई स्लीपर को हाथ में लेकर चल रही थी कि तभी उसे रोड पर अपनी बाइक से राजवीर नजर आता है और उसे देखकर बाइक रोक लेता है और बोलता है, अरे अब वही है ना प्रसाद वाली, क्या हुआ आपको, आप परेशान दिख रही हैं काफी। शुक्र है आप मिल गए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, कोई टैक्सी नहीं आ रही है और मेरे स्लीपर भी टूट गए हैं, मुझे 11 बजे इंटरव्यू में पहुंचना है प्लीज। ओफो मैं हूँ ना, मैं आपका इंटरव्यू कैंसिल नहीं होने दूंगा, 11 बजने में अभी 20 मिनट है, कहाँ है आपका ऑफिस आप बताइए, उस हिसाब से मैं आपको अभी स्लीपर की शॉप पर ले जाकर पहले वो दिला दूंगा फिर ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। जी गांधीनगर रोड बिल्डिंग B2। आर यू सीरियस, आई मीन रियली यही एड्रेस है ना? जी यही है, पर आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये मेरा ऑफिस है, बैठिए आप, आपकी स्लीपर का इंतजाम मैं कर दूंगा। आर यू श्योर? आई एम 100% श्योर। ये बोलकर राजवीर उसे अपनी बाइक पर बिठाता है, कुछ मिनटों में ही वो ऑफिस पहुंच जाते हैं और राजवीर श्रेया के पास जाकर बोलता है, श्रेया गुड मॉर्निंग, कैसी है? गुड मॉर्निंग, आज लेट कैसे आया है? बस हो गया, किसी को हेल्प चाहिए थी। राजवीर के इतना कहने पर
माही राजवीर के पास आती है और श्रेया का ध्यान माही पर जाता है और राजवीर बोलता है, इनकी ही हेल्प की थी मैंने, वो इनका इंटरव्यू है, इसलिए तू इन्हें अपनी स्लीपर दिखा दे, एक बार इंटरव्यू हो जाए तो वापस ले लियो। जी मेरा इंटरव्यू होने के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। पता नहीं सुबह से बहुत गड़बड़ हो रही है, पहले टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर स्लीपर टूट गए, पता नहीं आगे क्या होगा। ओके रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन, अगर ऐसे हड़बड़ाकर इंटरव्यू दोगी तो इम्प्रेशन खराब होगा। ये लो पानी पियो। श्रेया उसे पानी का ग्लास देती है जिसके बाद माही पानी पीती है। वहीं राजवीर माही को प्यार से देखता ही रहता है और फिर माही को इंटरव्यू रूम तक छोड़ के आता है। कुछ देर बाद इंटरव्यू हो जाता है जिसमें माही सिलेक्ट हो जाती है। कैबिन के बाहर राजवीर उसका वेट कर रहा था। जैसे ही माही आती है खुशी से राजवीर को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू सो मच यार, आज तुम्हारी वजह से मैं इंटरव्यू पे टाइम पर पहुंच पाई और सिलेक्ट भी हो गई। अब इसकी पार्टी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, तुम मना नहीं करोगे? ओके फाइन, नहीं करूंगा मना, बट अपना नाम तो बता दो क्योंकि अब तो तुम मेरी ही कंपनी में जो आ गई हो। आई एम सॉरी, माय नेम इज माही एंड माय नेम इज राजवीर। तभी वहाँ श्रेया आकर बोलती है, अरे तुम्हारा इंटरव्यू हो गया? जी हो गया, एंड थैंक यू, आपने मुझे अपने स्लीपर दिए और मैं पार्टी दूंगी आप दोनों को, सभी रेडी? या श्योर। अच्छा ठीक है, आप ध्यान से जाना, कल से तो आप ऑफिस ज्वाइन कर ही रही हैं। एंड शी इज माई क्यूट एंड नॉटी फ्रेंड श्रेया, एंड श्रेया इनका नाम माही है। ओह, श्रेया माही से चिढ़ जाती है क्योंकि राजवीर उसे बहुत स्माइल करके देख रहा होता है। अगले दिन से माही राजवीर का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। लंच होता है, तीनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी माही लंच में चाइनीज नूडल लेके आती है और कहती है, राजवीर श्रेया देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, आई होप तुम दोनों को पसंद आएगा। रियली आई लव चाइनीज यार माही, मेरा तो ये फेवरेट है, मैं खाऊंगी। क्यों राजवीर नहीं खाता? नहीं उसे नहीं पसंद ये सब। हाँ पसंद नहीं है बट ट्राई जरूर कर सकता हूँ। सच्ची राजवीर, खाओ ना फिर। माही की बात सुनकर राजवीर पहली बार चाइनीज खाता है। ये देखकर श्रेया हैरान और जेलस हो जाती है और अपने मन में बोलती है, मेरे कहने पर तो इसने कभी नहीं खाई और आज खा गया, आखिर क्यों? तुम दोनों बताओ ना कैसी बनी है। अरे यार बहुत टेस्टी बनी है, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी चाइनीज खाना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है फिर तो मैं तुम दोनों को चाइनीज लवर बना दूंगी। श्रेया ये देखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद राजवीर और श्रेया ऑफिस की कुछ फाइल के काम कर रहे थे। तभी वहाँ माही आकर कहती है, राजवीर ये फाइल का यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करो ना तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। अरे बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर राजवीर उसे समझा देता है। ये देखकर श्रेया फिर से जेलस होती है और अपने मन में बोलती है, आखिर इन दोनों का चल क्या रहा है, कहीं ये मेरे राजवीर को मुझसे छीनने तो नहीं आई। थैंक यू राजवीर, तुमने मुझे काफी इजीली समझा दिया, अब मैं खुद कर लूंगी। इट्स ओके, कभी भी हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। या आई नो। वक्त बीतता है, माही और राजवीर दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन राजवीर ने उसे अभी तक प्रपोज नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर श्रेया भी राजवीर से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाती तब तक राजवीर ही उसके पास आकर बोलता है, श्रेया श्रेया मुझे प्यार हो गया है, वो भी माही से, पता है जब से मैंने उसे देखा है तब से उसे प्यार करने लगा हूँ और अब इतना टाइम हो गया है, मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ और इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, करोगी ना? हाँ राजवीर करूँगी। थैंक्स श्रेया यार, आई लव यू सो मच, तू सच में बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प करती है, थैंक यू सो मच। तुझे तो लड़कियों की पसंद और रिंग साइज का अंदाजा होगा यार, प्लीज माही के लिए एक अच्छी सी रिंग लिया, ये पैसे मैं तुझे ऑनलाइन पे कर दूंगा, थैंक यू फिर से यार। कर दूंगी मैं। ये बोलकर राजवीर चला जाता है और श्रेया जमीन पर गिरकर बैठ जाती है जिससे उसका फोन रिकॉर्डिंग मोड पे चला जाता है। श्रेया उस वक्त टूटकर बिखर चुकी थी क्योंकि उसका प्यार अब किसी और का होने वाला था। रोते हुए श्रेया बोलती है, राजवीर तुम मेरे थे, मैं तुम्हें कब से चाहती हूँ और तुम्हें अपना प्यार बयां भी नहीं कर पाए, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, जीवन भर का साथ नहीं था तुम्हारा मेरे साथ, पर अब मुझे तुम दोनों की जिंदगी से जाना चाहिए, मेरे राजवीर ने मुझसे एक चीज मांगी है ना,
मैं उसे माही के लिए रिंग लाकर जरूर दूंगी। ये बोलकर श्रेया अपना फोन उठाकर चलती है, जिससे उसका हाथ लगकर रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है और माही के लिए एक ज्वेलर के पास जाकर वो सुंदर सी रिंग खरीद लेती है और राजवीर को दे देती है। तभी माही आती है और राजवीर उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है, साथ ही उसे रिंग पहना देता है। माही भी उसे शादी करने के लिए मान जाती है। तब राजवीर श्रेया से फोटो क्लिक करने को बोलता है, तो श्रेया दोनों की फोटो क्लिक करती है। राजवीर उसका फोन लेकर फोटो देखने लगता है, तभी उसके फोन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें श्रेया के दिल की कही सारी बात थी। और इसके बाद श्रेया की रिकॉर्डिंग सबके सामने आती है, जिसे जानने के बाद राजवीर बोलता है, श्रेया तुम मुझसे प्यार करती रही और मैं कभी समझ नहीं पाया, ना ही आज तक तुमने मुझे बताया, ऐसा क्यों? अरे रिकॉर्ड कैसे हो गया मुझे नहीं पता, और राजवीर ये सब झूठ है, तुम यकीन मत करो। लाओ मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। नहीं नहीं करनी डिलीट। मैं तुम दोनों के बीच आ गई, मुझे माफ कर दो श्रेया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। माही जैसे ही जा रही होती है, श्रेया उसका हाथ पकड़ कर रोक लेती है और दोनों को समझाती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उसका इनकी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर होगा। ये समझाकर वो दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती है और हमेशा के लिए उनकी लाइफ से दूर हो जाती है और श्रेया का प्यार अधूरा ही रह जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।